व्हाट इज लव. कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बस प्यार 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 वर्ड को हम प्यार समझ रहे हैं. इज इट समथिंग विच इज सो इंटेंस, जो अगर आपकी लाइफ में उतर आए तो फिर एक एक सेकंड मजेदार हो जाएगा, सारे फियर्स खत्म हो जाएंगे. एब्सोल्यूट फियरलेस. अब मेरा आप सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस इज व्हाट वी नीड टू क्वेश्चन, कि क्या हम प्यार सही तरह से यूज कर भी रहे हैं, या हम जिसको प्यार कह रहे हैं वो कुछ और ही है. हम अटैचमेंट को प्यार तो नहीं कह रहे हैं. क्या अटैचमेंट प्यार है? हम कहते हैं हमको पढ़ाई से प्यार है, और अगर मैंने टॉप कर लिया तब तो मैं कहता हूं मुझे पढ़ाई से प्यार है, लेकिन मैं बुरी तरह से फेल हो गया 4 साल बाद भी तो मैं कहता हूं पढ़ाई से मुझे नफरत है. क्या मेरे को पढ़ाई से प्यार है, या टॉप करने से हमको प्यार है? और वो भी प्यार नहीं है, अपनी ईगो को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं टॉप करके, और वो हरा करके खुद जीत करके बोल रहे हैं कि मैं जीत गया, और हम कह रहे हैं कि प्यार है जीतना, क्या ये प्यार है? आप एक रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ में एक आर्गुमेंट हो रहा है, उसमें जीतना क्या ये प्यार है? सोचना है आराम से. आप सबको भी लगता है कि अगर किसी पर्सन से हमको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाए, जैसे कि अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, या किसी पर्सन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, वो प्यार है? सोचो क्या वो प्यार है? क्या जहां पर अटैचमेंट होती है वहां पर प्यार होता है? अटैचमेंट हम किसे कहते हैं कि ये मेरा है ये मेरी है, तो क्या वहां पर प्यार होता है? सोचो सोचो क्वेश्चन दैट, कि क्या अटैचमेंट प्यार है, या प्यार कुछ ऐसा है जिसका अटैचमेंट से दूर दूर तक तो कोई लेना देना ही नहीं, इसकी लाइफ का मैंने ठेका ले लिया, तो क्या ठेका लेना प्यार है? समझो, क्या जहां पर कब्जा होता है वहां पर प्यार होता है? अटैचमेंट का मतलब ही कब्जा है. ये जमीन मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये मेरी बीवी है, तो कब्जा हो गया ना, ये मेरे बच्चे हैं, क्या वहां पर प्यार होता है? कब्जा किस लेवल पे, इसको ध्यान से समझ लेना जब भी मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूं, नॉट एट अ फिजिकल लेवल, एट द लेवल ऑफ योर माइंड. तो एक डर में हम किसी के साथ चिपके पड़े हैं, क्या वो प्यार है? कहीं पर आप जॉब कर रहे हो और आपको डर है कि मेरे को इस नौकरी से निकाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो क्या आपको उस नौकरी से प्यार है? समझो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, क्या ये प्यार है? क्या जिसको हम प्यार कहते हैं वो एडिक्शन नहीं है? सोचो, लगाओ दिमाग, क्या एडिक्शन में हमें ये परवाह होती है कि सामने वाले को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, या सिर्फ हमें इस चीज की परवाह होती है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है? जहां सामने वाले ने कोई ऐसी बात करी जो मुझे नहीं अच्छी लगती है तो लड़ाई झगड़ा होता है, सच है या झूठ है? तो जिसको हम प्यार कह रहे हैं क्या वो प्यार है? क्या वहां पर प्यार है? सोचो, आराम से सोचो. एक शराबी भी बोलता है आई लव व्हिस्की व्हाटएवर, हां आई लव द सिगरेट, होता है ना, तो क्या ये प्यार है? आप में से जिन लोगों को सुट्टा मारने की आदत पड़ी हुई है, कि आपके माइंड में थॉट नहीं चलता रहता है कि मैं इसको छोड़ दूं, कम कर दूं, सबके चलता है, तो उनको प्यार कहां है सिगरेट से? उनको तो नफरत है, लेकिन एडिक्शन है. दिस इंक्वायरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो आने वाली जो जनरेशन है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करने वाली है, आपकी इस अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करने वाली है, व्हाट इज लव है कि नहीं. नहीं तो कहीं आप भी अपने बच्चों का टॉर्चर करते रहो, उनको अपने जैसा बनाने में लगे रहो पूरी जिंदगी, और अपने आप से सच ना बोलो कि मेरी जिंदगी में कुछ पढ़ाई नहीं है. कड़वा लगेगा सुनने में थोड़ा सा, बट समझना मेरी इस बात की गहराई को अगर पकड़ पाओ तो. अगर कोई आदमी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, किसकी वजह से खुश नहीं है? अपनी सोच की वजह से खुश नहीं है, उसको ये लग रहा है कि मैं ये नहीं बन पाया इस वजह से मैं दुखी हूं, जबकि वो एक्चुअल में अपनी सोच की वजह से दुखी है. समझ गए? क्या वो इंसान जिसको खुद से प्यार नहीं है, क्या वो किसी से भी प्यार कर सकता है? समझे? कितने ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनको खुद से बहुत प्यार है, जो खुद की लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, क्या वो किसी से भी प्यार कर सकता है? या फिर वो उस पर्सन को यूज करेगा खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, और उसको प्यार का नाम दे देगा. आई से आई लव माई कंट्री, वी से वी लव आवर कंट्री, डू वी रियली लव आवर कंट्री? अगर हमको सच में अपनी कंट्री से प्यार है तो हम कंट्री मतलब क्या, सड़कें उसको साफ रखेंगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, टैक्सी चोरी नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे सिस्टम में, करप्शन ना देंगे ना लेंगे. दैट मींस दैट वी लव आवर कंट्री, बट वी डोंट लव आवर कंट्री, वी आर जस्ट सेइंग दैट वी लव आवर कंट्री. बड़े एक्साइटमेंट के साथ में, एक बड़ी तगड़ी फीलिंग के साथ में हम बोल रहे होते हैं नहीं आई लव माय कंट्री. तो क्या फीलिंग प्यार है? क्या सेंसेशन प्यार है? किसी पर्सन से हमको बड़ी कमाल की सेंसेशंस मिलती है, कुछ प्लेजर्स मिलते हैं, उसको हम प्यार बोल देते हैं.
और जब वो प्लेजर्स मिलने बंद हो जाते हैं उस पर्सन से, किसी और पर्सन से मिलने शुरू हो जाते हैं, तो हम कह देते हैं कि अब मुझे किसी और से प्यार है, उसको छोड़ देते हैं। क्या ये प्यार है? तो फीलिंग प्यार नहीं है, थॉट प्यार नहीं है। थॉट के लेवल पे हम जितना मर्जी चाहे प्यार क्रिएट कर सकते हैं। टेररिस्ट यही कर रहे हैं। आपके लिए वो गलत हो सकते हैं, लेकिन खुद के लिए तो वो सही है, तभी तो कर रहे हैं। अगर खुद के लिए गलत होंगे तो वो करेंगे ही नहीं। उनको लग रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। क्यों? क्योंकि उनको प्यार है। किससे प्यार है? अपने एक थॉट से प्यार है। उन थॉट्स की वजह से जो फीलिंग्स अंदर ट्रिगर हो रही है, हाँ मैं ये करूं, उससे प्यार है। क्या वो प्यार है? डिवोर्स केसेस होते हैं तो वो ही जो एक दूसरे के पीछे पागल थे, लैला मजनू, आज एक दूसरे की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है कि मैं तो उसको बर्बाद कर दूंगा, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। ये कहां से आ रहे हैं वर्ड्स? ये प्यार से आ रहे हैं। क्या जहां पर प्यार होता है वहां पर नफरत की गुंजाइश भी होती है? क्योंकि अगर हमको समझ नहीं आएगा प्यार क्या है, तो वी नेवर बी एबल टू एक्सपीरियंस। हम क्या करेंगे? फीलिंग्स को प्यार बोल देंगे, सेंसेशंस को प्यार बोल देंगे। और क्या उन फीलिंग्स की वजह से हमारी लाइफ बेटर होती है या और खराब हो जाती है? फीलिंग क्या होती है? एक सेंसेशन होती है। बिना सेंसेशन के कोई फीलिंग होती है? यहां पर टच हुआ, कुछ फील हुआ, तो इस फीलिंग लव, इस सेंसेशन लव, इस थॉट लव, सोचो सेंसेशंस मिलती हैं किसी चीज से, आपको सेंसेशंस मिलती है और उन सेंसेशन से आप अटैच हो गए, जिसको आप प्यार बोल रहे हो, तो उससे आपकी लाइफ बेटर होने वाली है या खराब होने वाली है? आप कहते हो आई लव दिस फूड, डू यू रियली लव दैट फूड? यू वांट टू लीव दैट फूड बट यू आर नॉट एबल टू लीव दैट फूड। पराठों को आप छोड़ना चाहते हो, उसके ऊपर जो मक्खन पड़ा होता है उसको आप हटाना चाहते हो, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो। टेस्ट खींचे चले जा रहे हो उसके साथ, क्योंकि फीलिंग मिल रही है वहां से, सेंसेशन मिल रही है। एंड वी से यार खाना बड़ा बढ़िया था, शादी मजा आ गया। तो मजा प्यार है क्या? इस प्लेजर लव, बहुत बेसिक लेवल की बातें कर रहा हूं, उसमें भी आपको लगता होगा पता नहीं क्या बोल रहे हो, बट इट इज अ फैक्ट। ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, अगर किसी में थोड़ी सी भी अकल होगी तो वो जा करके देख लेगा स्ट्रक्चर को। जिसको हम प्यार कह रहे हैं वहां पर कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव होता है हमारा। अगर अपने अंदर झांक करके देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? और उसको हम प्यार का नाम दे रहे होते हैं। अगर हमारे अंदर अपना खुद का कोई सेल्फिश मोटिव हो ही ना, तो क्या हम प्यार करने के लायक बन सकते हैं? क्या हम सामने वाले को प्यार कर सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि उसको क्या चाहिए? हम कब देख सकते हैं? हम कब देख सकते हैं सामने वाले की जरूरत क्या है? हम कब सामने वाले की केयर कर सकते हैं? जब हमारे खुद के अंदर कोई सेल्फिश मोटिव ना हो। हम कब किसी को खुशी दे सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं? जब हम खुद पूरी तरह से खुश हो। तो इसका मतलब कि अगर मैं प्यार ढूंढ रहा हूं इस दुनिया में, तो मैं प्यार कर नहीं सकता। बट आपने अपने अंदर ही जो प्यार का सोर्स है, जो खुशी का सोर्स है, उसको ढूंढ लिया। आप कुछ सोच रहे थे, किसी चीज के लिए तड़प रहे थे कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, वो हो गया। जैसे ही वो हुआ तो क्या हुआ? फीलिंग होती है, कुछ सेंसेशंस होती हैं बॉडी में, ठीक है, जो आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन उसके बाद में एक बड़ी गहरी अंदर एक सेटिस्फैक्शन होती है, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए। पकड़ पा रहे हैं? नहीं, आप सोच रहे थे, तड़प रहे थे किसी पर्सन के लिए, किसी चीज के लिए, किसी एम्बिशन के लिए, किसी अपने डिजायर के लिए, किसी ड्रीम के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, ये मोबाइल चाहिए चाहिए चाहिए, व्हाटएवर इट इज। एकदम से मिल गया, क्या होता है, पागल हो जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, बटरफ्लाई एकदम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ये मेरा डिजायर पूरा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मेरा मोबाइल आ गया, ये हो गया, ये समझ गए। तो आपको लग रहा है कि वो खुशी उस मोबाइल में, जबकि वही मोबाइल किसी ऐसे को मिलता है जिसके पास में बहुत पैसा है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके फेस पे स्माइल तक नहीं आती। ये क्या दे दिया, ये मोबाइल है, धंका देना चाहिए। ये क्या 50,000 रुपए का मोबाइल दे दिया, वो 1,00,000 रुपए का क्यों नहीं दिया? उनके लिए वो बेकार है। बट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 5,000 का, एकदम से 50,000 का मोबाइल आ गया तो पागल हो गए। तो आपको लग रहा है मोबाइल में खुशी है, जबकि खुशी मोबाइल में नहीं है। अगर होती तो दोनों के लिए होती ना। आप तड़प रहे थे किसी के लिए, आपने बहुत एफर्ट करा किसी काम को करने के लिए, बहुत एफर्ट, कई दिनों तक, कई महीनों तक, और वो चीज एकदम से अचीव कर ली। वो मजा कुछ देर के लिए रुकता है, वो फीलिंग्स कुछ देर के लिए रहती है, सेंसेशंस कुछ देर के लिए रहती है, वो थॉट्स कुछ देर के लिए रहते हैं। उसके बाद में थॉट्स भी मर जाते हैं, फीलिंग्स भी मर जाती हैं, सेंसेशंस भी खत्म हो जाती है, होनी ही है। कोई भी सेंसेशन टिकती नहीं है, ना पेन की ना प्लेजर की, आती है जाती है। उसके बाद में क्या होता है अंदर, उस टाइम पे कुछ दिनों के लिए कोई डिजायर नहीं होता है, ऐसा लगता है एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है,
कि मतलब एक ये होता है कि यार बस लाइफ से जो चाहिए था वो मिल गया। वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट क्या है? क्या उस टाइम पे कोई थॉट होते हैं अंदर, कोई डिजायर्स होते हैं, कुछ होते हैं? बल्कि कुछ भी नहीं होता है, आप समझ गए ना, तभी वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है। उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, वापस से सेंस ऑफ लैक आपके अंदर आ जाता है। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और सेंस ऑफ लैक में फर्क समझ आ रहा है? कुछ दिनों तक तो लगा कि हाँ बस लाइफ में जो करना था वो कर दिया, बस जिंदगी का मकसद पूरा हुआ, मजा आ गया। और कुछ दिन बाद क्या होता है, या तो वो जो अचीव किया था वो कम लगने लग जाता है, या फिर कोई नए डिजायर आ जाते हैं और फिर आप फड़फड़ाने लग जाते हो। फिर कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों तक तड़पते रहते हो उसके लिए, पागलों की तरह स्ट्रगल करते रहते हो सुबह से रात तक, पता नहीं कितने तरह के अपना टॉर्चर करवाते हो, फिर उसको अचीव करते हो, फिर पागल हो जाते हो, समझ गए ना। तो अगर ये जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आपके अंदर आया, जो आपको लग रहा है उस डिजायर के पूरे होने की वजह से आया, उस मोबाइल की वजह से आया, पकड़ पा रहे हो ना, वो एक्चुअल में आपके अंदर ही था। उस मोबाइल के डिजायर की वजह से एक सेंस ऑफ लैक आपके अंदर पैदा हुआ। यू वर फुलफिल्ड इन योर चाइल्डहुड, आपके अंदर कोई कमी नहीं थी किसी भी तरह की, बट यू बिकेम अनफुलफिल्ड बिकॉज ऑफ दैट डिजायर। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप खाने के लिए तड़प रहे हो, आप गोलगप्पे के लिए तड़प रहे हो, एकदम से आपके अंदर डिजायर आया, तो अब वो पैदा हो गया, अब सफरिंग शुरू हो गई, तड़पना शुरू हो गए। जैसे खा लिया क्या होता है, उस टाइम पे तो सेंसेशंस हो रही होती है, और ज्यादातर क्या होता है उस टाइम पे आपको पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप कुछ और ही सोच रहे होते हो, होता है ना। हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, लेकिन वहां पे मोबाइल पे लगे हुए हैं, साथ साथ में खा रहे हैं, लेकिन उसके लिए तड़प रहे थे। तो ये सब सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो गोलगप्पे जिसके लिए आप तड़प रहे थे वो आपने खा लिए, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ देर के लिए एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट पूरा, लेकिन कुछ देर के लिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ा डिजायर नहीं था। तो जितना बड़ा डिजायर जितनी बड़ी स्ट्रगल के साथ में पूरा होता है, उतनी देर के लिए वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट टिकता है। तो हमारे सबके अंदर एक बहुत बड़ा डिजायर है, वो है वी वॉन्ट टू बी एब्सोल्यूटली फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। ये डिजायर है आप सबके अंदर या नहीं? तो ये सबसे बड़ा डिजायर है, टू बी एब्सोल्यूटली फ्री विद इट। ये अगर एक बार अचीव हो गया तो क्या होगा, ये जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है ये बना ही रहे, देन यू आर एब्सोल्यूटली फुलफिल्ड विद इट। कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कुछ जी रहा है मर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ आ रहा है जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दुनिया कुछ कह रही है नहीं कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यू आर एब्सोल्युटली फुलफिल्ड। इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हो क्या? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट नीड माई सन टू मेक मी हैप्पी, आई डोंट नीड माई वाइफ टू मेक मी हैप्पी, आई डोंट नीड दिस वर्ल्ड टू मेक मी हैप्पी, आई डोंट नीड मनी टू मेक मी हैप्पी, आई एम हैप्पी बाय माई वेरी नेचर। क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा डिजायर है, जो नेचुरल है, दैट इज नॉट लिमिटेड एक्सपेंशन, दैट इज इनफाइनाइट एक्सपेंशन। सब यही कर रहे हैं कोशिश, आप अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी टेरिटरी को जो अभी हो उससे थोड़ा ज्यादा बनने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा और ज्यादा। हर कोई यही कर रहा है, एक बिलियनियर भी यही कोशिश कर रहा है, अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा है, अपने एरिया को बढ़ा रहा है। तो अगर ये टेरिटरी इनफाइनाइट लेवल तक पहुंच जाए तो क्या होगा? मतलब यू इफ यू डीपली अंडरस्टैंड दैट आई डोंट हैव टू बिकम मोर बाय अचीविंग मोर और बाय डूइंग मोर और बाय गेटिंग मोर, आई एम इनफाइनाइट, वी आर इनफाइनाइट। आप चाहे कुछ बनो चाहे ना बनो, यू आर इनफाइनाइट। अगर ये बात समझ आ जाए और फिर इस लेवल से आप एक्ट करो, देन वहां पर जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ होगा, दैट इज ऑल लव।